हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अल्कोहल यानी शराब से रिलेटेड टॉपिक पर। ऑब्वियसली मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, तो ये मेरा रूटीन टॉपिक नहीं है। पर बेसिकली हमारे हार्ट के काफी पेशेंट्स आते हैं, हार्ट अटैक के पेशेंट्स आते हैं जो अल्कोहल या उससे संबंधित प्रॉब्लम से ग्रसित रहते हैं। तो उनके इंटरेस्ट में उनको टॉपिक, क्योंकि कई फिर पेशेंट साइकेट्रिस्ट के पास जब उन्हें भेजने को कहते भी हैं तो भी लोग अवॉइड करते हैं, तो उनके बेनिफिट के लिए हमने आज ये वीडियो बनाया ताकि उनको अल्कोहल के बारे में हम बता सके, उससे हार्ट और ब्रेन पर क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं उस बारे में हम बात करेंगे, और लास्ट में हम बात करेंगे कि उसे किस तरह से छोड़ा जा सकता है, छोड़ने के लिए कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं, किस डोजेस पर ली जा सकती है, उनके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, कौन सी दवा किन पेशेंट्स के लिए सेफ है या अनसेफ है, और नॉन मेडिसिन यानी सिर्फ नॉन फार्माकोलॉजिकल वे से किस तरह से हम अल्कोहल को छोड़ा जा सकता है, किन चीजों का ध्यान रखना है, उस बारे में हम बात करेंगे। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लास्ट तक इस वीडियो को देखें। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्कोहल, इसके बारे में जानने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, ज्यादातर सब जानते हैं कि अल्कोहल क्या है और हार्ट और लिवर के लिए सबसे ज्यादा डेंजरस चीज है, काफी सिस्टम्स को बॉडी की इफेक्ट करता है। हार्ट को किस तरह से इफेक्ट करता है सबसे पहले इस बारे में बात करेंगे। बेसिकली हार्ट की नलियों को ये ब्लॉकेज नहीं करता है, काफी लोग, कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि रेड वाइन पीने से हार्ट की नलियों के ब्लॉकेजेस थोड़ा खुल भी जाते हैं, हालांकि ये बहुत ज्यादा सच नहीं है क्योंकि ये एचडीएल लेवल्स को थोड़ा बहुत बढ़ाता है, लेकिन नलियों को खोलने में बहुत कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है, और हम किसी पेशेंट को रिकमेंड तो नहीं करते कि वो अल्कोहल लेना चालू करें। लेकिन हाँ, हार्ट की नलियों के ब्लॉकेज की बीमारी के लिए अल्कोहल उतना घातक नहीं है, लेकिन जिन लोग को हार्ट वीक है या हार्ट डायलेटेड है या पंपिंग हार्ट का खराब है, उनके हार्ट को डायलेट कर सकता है। सेकेंडली, इससे कुछ विटामिन्स की डेफिशिएंसी, जैसे खासकर बी ग्रुप की विटामिन्स का डेफिशिएंसी हो जाता है, डाइटरी डेफिशिएंसी हो जाता है, ये भी कई बार हार्ट को वीक और कमजोर बना सकता है। एक अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी करके टर्म्स होता है, जिसमें हार्ट वीक होता है इन्हीं सब कारणों की वजह से, चाहे वो हार्ट अल्कोहल डायरेक्टली हार्ट पर टॉक्सिक इफेक्ट करे और हार्ट को वीक कर दे, या हार्ट का कोई विटामिन को कमी करके हार्ट को वीक कर दे, या हार्ट के रिदम को प्रॉब्लम करे, हार्ट का धबकारा नियमित हो जाए, तो भी कभी कभी ताकि कार्डियोमायोपैथी की वजह से हार्ट वीक हो सकता है। तो ये सारी चीजों को अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी में इंक्लूड किया जाता है। बेसिकली विटामिन B1 और का डेफिशिएंसी काफी अल्कोहलिक पेशेंट्स में मिलता है, जिसकी वजह से एक बेरी बेरी करके बीमारी होती है जिसमें भी हार्ट कई बार वीक हो जाता है। तो ये अल्कोहलिक कार्डियोमायोपैथी में काफी लोग को ये इस तरह का कार्डियोमायोपैथी भी देखने को मिलता है। अल्कोहल की वजह से हार्ट का रिदम डिस्टर्बेंस होता है, जिसकी वजह से एक एट्रल फिब्रिलेशन करके रिदम डिसऑर्डर है जो काफी कॉमन है। ज्यादातर इसे तब देखा जाता है जब कोई व्यक्ति सडनली बिंज ड्रिंकिंग करे या बहुत ज्यादा अमाउंट में अल्कोहल पिए, जिनका रेगुलर पीने की आदत नहीं है, वो सडन अमाउंट में अगर ज्यादा अल्कोहल पी ले तो ये कई बार एट्रल फिब्रिलेशन डेवलप हो जाता है। इसे हॉलीडे हार्ट सिंड्रोम भी बोलते हैं, और इसमें सडनली धबकारा नियमित होता है, जिसकी वजह से पेशेंट को धड़कन महसूस होती है, कभी कभी अगर हार्ट से कोई क्लॉट निकल के ब्रेन में चला जाए तो पेशेंट को लकवा भी हो सकता है। बहुत ज्यादा देर तक अगर एट्रल फिब्रिलेशन डेवलप होता है तो हार्ट का पंपिंग वीक हो जाता है, जिसे टैकीकार्डियोमायोपैथी कहते हैं। हमने एट्रल फिब्रिलेशन के बारे में अलग से वीडियो किया है, जिसे आप अलग मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अल्कोहल से रिलेटेड टैकीकार्डियोमायोपैथी या एट्रल फिब्रिलेशन कंपैरेटिवली थोड़ा कम कॉमन है, लेकिन पॉसिबल है, और एक इनडायरेक्ट वे है हार्ट को डैमेज करने का, जो अल्कोहल के वाले पेशेंट्स में कई बार देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे अल्कोहल और हार्ट अटैक्स के बारे में। अल्कोहल से नली क्योंकि ब्लॉकेजेस डेवलप नहीं होती जैसा कि मैंने कहा, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा अल्कोहल पीने से बॉडी का क्लॉटिंग मैकेनिज्म ट्रिगर हो सकता है, जिससे सडनली हार्ट अटैक आ सकता है। दूसरा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है कि अल्कोहल की वजह से पेशेंट अननेसेसरी क्वारलिंग और एंग्जाइटी करता है, जिसकी वजह से एक तरह से आदमी पीता तो इस हिसाब से है कि उसका मन का स्ट्रेस कम होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ज्यादातर लोगों के घर में झगड़े और मेंटल स्ट्रेस और एंग्जाइटी अल्कोहल की वजह से क्रिएट होती है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ जाता है। तो इफेक्टिवली देखा जाए तो आदमी जो अल्कोहल को मन को शांत रखने के लिए पीता है, एट द एंड ऑफ द डे एंग्जाइटी उससे बढ़ती ही है और हार्ट अटैक्स का चांस कंपेरेटिवली बढ़ता ही है। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि ज्यादातर लोग अल्कोहल के साथ बहुत सारे स्नैक्स को यूज करते हैं। ये ज्यादातर स्नैक्स ऑयली प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो ड्राई फ्रूट्स हो, मूंगफली के दाने हो, या अलग च्यूइंग प्रोडक्ट्स हो। ज्यादातर स्मोकिंग भी इसके साथ लोग करते हैं कई बार अल्कोहल के साथ। तो ये एडिटिव्स जो आते हैं अल्कोहल के साथ, यानी एक कैरी पैक में जो सारे अल्कोहल के साथ टॉक्सिक प्रोडक्ट्स आते हैं, वो कई बार हार्ट को डैमेज कर सकते हैं और वो हार्ट की नलियों के ब्लॉकेजेस डेवलप करके हार्ट अटैक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह के पेशेंट्स में एट द एंड ऑफ द डे हम यही पाते हैं कि अल्कोहल पीने वाले लोग को हार्ट अटैक ज्यादा ही मिलता है। अल्कोहल पीने से किसी को फायदा होता है वैसा नहीं है। रेड वाइन का भी जहां तक अगर हम बात करें तो उससे भी कुछ ही छोटी मोटी स्टडीज है जो शो करती है कि
थोड़ा सा एचडीएल लेवल्स को बढ़ाता है और हार्ट के अरिथमिया को प्रिवेंट करता है, पर बेसिकली अल्कोहल के प्रमोटर्स ही खाली उसको प्रमोट करते हैं कि आपको वाइन पीना चाहिए हार्ट के लिए। एज अ कार्डियोलॉजिस्ट हम किसी पेशेंट को रिकमेंड नहीं करते। महीने में अगर किसी को बहुत ज्यादा कंपल्सिवली अल्कोहल पीने की आदत है तो वो पी सकता है वंस इन अ वाइल, लेकिन रेगुलर अल्कोहल तो हम किसी को भी रिकमेंड नहीं करते हैं। अब हम बात करेंगे अल्कोहल के बाकी बॉडी पर इफेक्ट के बारे में। अल्कोहल पीने वाले लोगों को मैल न्यूट्रिशन हो सकता है क्योंकि काफी लोग इसको ड्राई कैलोरीज के फॉर्म में लेते हैं, यानी अल्कोहल से जो कैलोरी मिलता है वो उनके बॉडी में जाता है और इसके साथ जो वो ड्राई फ्रूट्स या स्नैक्स वगैरह जो लेते हैं वो कैलोरीज बॉडी में जाती है, तो इससे वजन बढ़ता है और न्यूट्रिशियस फूड उसके बदले वो नहीं खाते हैं, तो इसकी वजह से मैल न्यूट्रिशन डेवलप होता है। तो ज्यादातर अल्कोहल लेने वाले लोगों को अलग अलग तरह के मैल न्यूट्रिशन डिसऑर्डर्स ज्यादा देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे लिवर डैमेज के फर्स्ट साइंस के बारे में। जनरली अगर किसी को पेट में दर्द हो रहा है या किसी को पेट में छूने से दर्द होता है, मुंह सूखता है, अगर किसी को प्यास ज्यादा लगती है, किसी को जॉन्डिस हो रहा है, बहुत ज्यादा कमजोरी लगती है, पेशाब में किसी को पीलापन देखने मिलता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, नौजिया वॉमिटिंग वगैरह होता है, या स्किन बहुत ज्यादा ड्राई और येलो दिखने लगती है, लाइट कलर की दिखने लगती है, तो इस तरह के पेशेंट्स में जॉन्डिस होने का चांस है और अल्कोहल रिलेटेड लिवर में डैमेज हो रहा है, ये उसका साइन माना जाता है। ब्रेन डैमेज के कुछ अलग साइंस होते हैं। अगर किसी को चलने में लड़खड़ाहट डेवलप हो रही है, उनको देखने में प्रॉब्लम आ रही है, ब्लर्ड विजन हो रहा है, बोलने में प्रॉब्लम आ रही है, स्लर्ड स्पीच हो रहा है, रिएक्शन टाइम कम हो रहा है, जिसकी वजह से काफी एक्सीडेंट्स भी होते हैं कि लोग फटाफट उनका रिफ्लेक्सेस काम नहीं करते हैं, उनका मेमोरी फंक्शन इम्पेयर्ड है, उनकी याददाश्त जा रही है, तो इस तरह के पेशेंट्स में अल्कोहल इंड्यूस्ड ब्रेन डैमेज को सस्पेक्ट कर सकते हैं। और ज्यादातर कुछ प्रॉब्लम्स कई बार पेशेंट्स का ऐसा ये होता है कि कई बार एक दो ड्रिंक्स लेने से ये टाइमिंग प्रॉब्लम सॉर्ट आउट भी हो जाती है, लेकिन ये अर्ली साइंस ऑफ ब्रेन डैमेज है और इस तरह के पेशेंट्स को ऐसा माना जाता है कि ब्रेन रिलेटेड परमानेंट डैमेज होने के चांस भी है। एक वर्निकीज एंसेफेलोपैथी करके अल्कोहल रिलेटेड ब्रेन डैमेज होता है जो काफी केसेस में न्यूरल विटामिन वगैरह को लेने से रिवर्स भी हो जाता है, लेकिन ये अल्कोहलिक पेशेंट्स में ब्रेन डैमेज का साइन होता है। इसके अलावा कई साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स भी होती है अल्कोहलिक पेशेंट्स में। ज्यादातर अल्कोहल पीने वाले ज्यादातर पेशेंट्स में एंग्जाइटी, डिप्रेशन, साइकोसिस, एंटी सोशल बिहेवियर, घबराहट, चिड़चिड़ापन, इस तरह के प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। ये जब वो ड्रिंक करते हैं उस टाइम पे भी देखने को मिलता है और जब वो ड्रिंक छोड़ते हैं तब भी देखने को मिलता है, और ज्यादातर जब वो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स अल्कोहल छोड़ते हैं तो एक महीना से डेढ़ महीने तक पेशेंट को प्रॉब्लम्स ज्यादा होती है। कई बार ये अल्कोहल रिलेटेड सिंड्रोम्स जो है, अल्कोहल रिलेटेड ये जो साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स है, ये ड्रिंक सडनली अगर पेशेंट छोड़े तो उसके एक महीने के आसपास क्लस्टर करती है और पेशेंट्स को लगभग अल्कोहल रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसा ही सिंड्रोम्स जैसे पेशेंट को देखने पे लगता है। कभी कभी अल्कोहल विड्रॉल भी होता है, ये काफी हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स में हमें देखने को मिलता है कि अगर हॉस्पिटल पेशेंट में दो चार दिन अगर वो रह जाए और उसका अल्कोहल सडनली छुड़ा दिया जाए तो वो एक साइकोसिस वाले या पागलपने वाले स्टेज में कई बार पेशेंट पहुंच जाते हैं, जिसको कई बार मैनेज करना हॉस्पिटल में बहुत मुश्किल पड़ता है। ऐसे पेशेंट को हमें प्रीमैच्युरली डिस्चार्ज भी करना पड़ता है कि घर जाके अल्कोहल पीना चालू कर ले भैया, लेकिन कई बार लोग इतने पागलपन के स्टेज में पहुंच जाते हैं कि उन्हें हॉस्पिटल में रखना भी मुश्किल हो जाता है, मैनेज करना भी मुश्किल हो जाता है। इसे अल्कोहल विड्रॉल सिंड्रोम बोलते हैं। अब लास्ट में मेनली बात करेंगे अल्कोहल को छुड़वाने के बारे में, यानी डी एडिक्शन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अल्कोहल को छुड़ाने के लिए किन दवाइयों का यूज करते हैं उस बारे में बात करेंगे, उसके बाद नॉन मेडिसिनल चीजों के बारे में बात करेंगे, यानी मेडिसिन के अलावा जो और तरीके हैं या नुस्खे हैं जिनसे हम ड्रिंकिंग वालों को लोगों को कन्विंस कर सकते हैं कि उन्हें अल्कोहल छोड़ना है और अगर वो वापस पीना चाहे तो उनके क्रेविंग्स को कम कर सकते हैं, उस बारे में हम बात करेंगे। अल्कोहल छोड़ना बहुत ईजी नहीं है क्योंकि ब्रेन के प्लेजर सेंटर्स को स्टिमुलेट करता है। जब अल्कोहल व्यक्ति छोड़ने लगता है तो ये प्रेजर सेंटर्स में जो न्यूरोट्रांसमीटर लेवल्स है, डोपामिन लेवल्स है, वो कम हो जाते हैं, तो ब्रेन में क्रेविंग डेवलप हो जाती है, उस बार बार नशा करने का मन करने लगता है और व्यक्ति कई बार इस सेंस को बर्दाश्त नहीं कर पाता, कई बार पागलपने के स्टेज में भी पहुंच जाता है। तो इसलिए अल्कोहल क्योंकि ये एडिक्शन है, इसे छोड़ पाना इतना ईजी नहीं है। स्पेसिफिकली इसमें साइकेट्रिस्ट का रोल आता है। अगर ज्यादा किसी को अल्कोहल लेने का आदत है तो हम वैसे लोगों को साइकेट्रिस्ट के पास भेजते हैं। इंडिया में काफी साइकेट्रिस्ट डॉक्टर्स के पास जाने के टाइम काफी लोगों को एक सोशल स्टिग्मा रहता है, उनको ऐसा लगता है कि साइकेट्रिक डॉक्टर खाली पागलपने का इलाज करते हैं, लेकिन ऐसा सच नहीं है। इस तरह के डी एडिक्शन रेजिमेंट्स में भी साइकेट्रिस्ट आपकी मदद कर सकते हैं और इस तरह की जो दवाइयां जिनके बारे में बात करूंगा वो दवाइयां भी ज्यादातर साइकेट्रिस्ट ही मैनेज करते हैं। उनको किस डोजेज में पेशेंट को कितने टाइम तक देना है उसको भी ज्यादातर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर ही मैनेज करते हैं। स्पेसिफिकली डिजाइन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स भी कई बार रहते हैं जो पेशेंट की डी एडिक्शन में हेल्प करते हैं, और पेशेंट अगर रेगुलर अल्कोहल बहुत ज्यादा अमाउंट में लेता है तो उनको कई बार रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भी काफी टाइम के लिए रखना पड़ता है ताकि वो अल्कोहल को
छोड़ पाए। ये ऐसा इसलिए उस तरह के लोगों में करना पड़ता है जिसमें बहुत ज्यादा लेने की आदत हो और अनसोशल बिहेवियर उनमें स्टार्ट हो गया हो, ऐसे लोगों में उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स वगैरह में रखने का जरूरत पड़ता है। फैमिली मेंबर्स का इसमें बहुत ज्यादा रोल है क्योंकि अल्कोहल जब व्यक्ति छोड़ना चालू करता है तो उस फेज में बॉडी बिल्कुल उसको एक्सेप्ट नहीं करती और बहुत ज्यादा विड्रॉल सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं। अगर पेशेंट का डिटर्मिनेशन कई बार कम हो जाए तो उस समय फिर रिलेटिव्स को या फ्रेंड्स को उसको हेल्प करना जरूरी है। अगर हम सिर्फ पेशेंट पर ही उसका बर्डन डाल दें कि आपको ही अल्कोहल छोड़ना है और आपको ही सब उसको मैनेज करना है तो कई बार वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। इस सब चीजों में फैमिली मेंबर्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है और ऐसा देखा गया है कि जहां फैमिली बहुत सपोर्टिव है और बहुत ज्यादा हेल्पिंग है वैसे पेशेंट्स एट द एंड ऑफ द डे अल्कोहल को ज्यादा अच्छा छोड़ पाते हैं, ज्यादा लॉन्ग टाइम तक छोड़ पाते हैं और उनमें रिलैप्स या वापस से अल्कोहल लेना चालू करने के चांसेस भी कंपैरेटिवली कम होते हैं एज कम्पेयर जो लोगों में फैमिली का सपोर्ट कम रहता है या जो लोग अकेले रहते हैं उनका सक्सेस रेशियो इसमें काफी कम रहता है। अल्कोहल के बॉडी के लगभग सब सिस्टम्स में साइड इफेक्ट रहते हैं, हार्ट के अलावा ये लिवर किडनी ब्रेन सबको ही इफेक्ट करता है और बॉडी के नर्व्स वगैरह को भी डैमेज करता है। तो इसलिए अल्कोहल को जब हम छोड़ते हैं जब डिडिक्शन में जाते हैं तो ये सारे सिस्टम्स धीरे धीरे करके इम्प्रोवाइज होते हैं। हालांकि अल्कोहल छोड़ने से तुरंत ही वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है और प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी वैसा नहीं होता, पर यूजली डिडिक्शन जब हम करते हैं तो धीरे धीरे करके उसमें सारे सिस्टम्स में इम्प्रूव होने चालू हो जाता है। जो पेशेंट्स को सडनली अल्कोहल अगर छोड़ते हैं यानी सडनली वो बंद करते हैं उसमें उनको नींद बहुत कम आती है, उनका स्लीप हैबिट्स कई बार अफेक्टेड हो जाता है। उसमें नींद अगर आती भी है तो प्रॉपर रिफ्रेश नहीं लगता पेशेंट को, यानी शॉर्ट वेव स्लीप का जो फेज रहता है वो कंपेरेटिवली कम हो जाता है और रात को पेशेंट की बार बार उठने का या जागे रहने का चांसेस कंपेरेटिवली बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों में जब वो ड्रिंकिंग वापस चालू कर देते हैं तो ये फेज चला जाता है, लेकिन ऑब्वियसली आपको ये कारण नहीं बनने देना है कि वो वापस से अल्कोहल लेना चालू करें। और अनफॉर्चुनेटली ये भी प्रॉब्लम है कि ज्यादातर सेडेटिव्स भी अल्कोहलिक पेशेंट्स में असर नहीं करती है, बहुत ज्यादा बेंजोडाइजिपिनी या नींद आने वाली दवाइयां जो भी आप अल्कोहलिक पेशेंट्स को देते हैं क्योंकि इनके स्लीप सेंटर्स इतने ज्यादा अल्कोहल से अफेक्टेड रहते हैं कि रेगुलर डोज में दवाइयां उनको असर भी नहीं करती है। तो इसलिए स्लीप का प्रॉब्लम होना अल्कोहल लेने वाले लोगों में और अल्कोहल छोड़ने वाले लोगों में दोनों में ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अब हम बात करेंगे दवाइयों के बारे में। एक कॉमन दवाई है जिसे डाइसल्फिराम बोलते हैं, ये एक डी एडिक्शन में काफी लोग यूज करते हैं, थोड़ी स्ट्रांग दवा है जिसको कई बार ऐसा दिया जाता है कि अल्कोहलिक जो है उसके खाने में या उसके ड्रिंक में मिला के उनको दे दें इसको। लेकिन अगर लेने के बाद पेशेंट अल्कोहल पीता है तो उसको बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स होते हैं, नौजिया वॉमिटिंग घबराहट बहुत ज्यादा होती है और पेशेंट को बहुत खराब लगने लगता है। तो एक तरह से देखा जाता है कि जो पेशेंट को सेंस ऑफ वेलबींग या अच्छा लगने लगता है अल्कोहल लेने के बाद वो चला जाता है और डाइसल्फिराम जिन लोगों को दिया जाता है उसके बाद अगर वो एक बार भी अल्कोहल पीते हैं तो तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि पेशेंट घबराने लगता है। पर ऐसा उन लोगों में करना चाहिए जो लोग वंस इन अ वाइल ही अल्कोहल ले रहे हैं या बहुत रेयरली ही उनका नॉर्मली उनका वो भी उनका अल्कोहल को छोड़ने का विल पावर है वो काफी अच्छा है, वंस इन अ वाइल ही अगर वो अल्कोहल ले रहे तो चलेगा। जो लोग हैबिचुअल अल्कोहल ड्रिंकर्स हैं या अल्कोहल एडिक्ट्स हैं या जो बहुत ज्यादा लेने की आदत है जो डाइसल्फिराम लेने के बाद भी अगर अल्कोहल लेते हैं तो उनके लिए फिर जान का खतरा भी हो सकता है। तो ऐसे लोगों में डाइसल्फिराम देने से पहले आपको प्रॉपर आपके साइकियाट्रिस्ट या डॉक्टर से डिस्कस करना जरूरी है। इसके अलावा कुछ और मेडिसिन आती है, एक कैम्प्रोजेट करके कैम्प्राल करके दवा आती है, ये एक रीसेंट एडिक्शन है की मेडिसिन है जो अल्कोहल रिलेटेड जो डी एडिक्शन के प्रॉब्लम्स है या जो मेंटल स्ट्रेस है या ब्रेन रिलेटेड चेंजेस है या मेंटल डिस्कम्फर्ट जो ब्रेन में डेवलप होता है उसको कंपेरेटिवली कम करता है। एक नाइट्रेक्सोन करके मेडिसिन आती है, ये ओपियोइड डिसऑर्डर्स और अल्कोहलिक्स पर रिकमेंडेड है, ये यूजली लेने के 1 से 2 घंटे के बाद असर करती है और इसके बाद इसको कई बार एक्सटेंडेड रिलीफ फॉर्मुलेशन या इंजेक्टेबल फॉर्मुलेशन में भी दिया जा सकता है जो कि पेशेंट की बॉडी में कुछ दिनों तक असर करता है, ऑलमोस्ट कई दिनों तक ये पेशेंट को अल्कोहल से रिलेटेड क्रेविंग्स वगैरह को कम करने में मदद करता है। नाइट्रेक्सोन के साइड इफेक्ट से लोगों को डिप्रेशन हो सकता है, किसी को अबनॉर्मल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकते हैं तो इसको लेने से पहले आपके साइकियाट्रिस्ट के साथ डिस्कस करना जरूरी है। किसी लोगों को दवा के साइड इफेक्ट से उल्टी आना यानी नौजिया होना, सरदर्द होना, कॉन्स्टिपेशन होना, चक्कर आना, नर्वसनेस होना, नींद कई बार नींद ना आना या कई बार बहुत ड्राउजी लगना, हाथ पांव में दर्द होना, इस तरह के साइड इफेक्ट ऑलमोस्ट 10% ऑफ द पेशेंट जिनको नाइट्रेक्सोन दिया जाता है उसमें देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड्स के बारे में कि आप किस तरह से बिहेवियर काउंसलिंग करके अपने
अल्कोहलिक फ्रेंड को या रिलेटिव को अल्कोहल छोड़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, और अल्कोहलिक जो लेने की आदत है उस पेशेंट को भी इन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अपने आप को हमेशा अपने फैमिली फ्रेंड्स को साथ एसोसिएट करें, ज्यादातर ऐसे फ्रेंड्स के साथ एसोसिएशन करें जिनको अल्कोहल का आदत नहीं है। अगर आप कंटिन्यूअसली ऐसे फ्रेंड्स की संगत में रह रहे हैं जो रेगुलरली खुद भी एडिक्ट्स हैं और उनको खुद अल्कोहल लेने का आदत है, तो डेफिनेटली वो आपको छोड़ने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे, और इंटरमीडिएटली कभी कभी अल्कोहल लेने के लिए ही वो आपको एनकरेज करेंगे। तो आपको आपकी संगत या आपके फ्रेंड्स को प्रॉपरली चूज करना है, आपके फैमिली मेंबर्स जो नॉन अल्कोहलिक्स हैं उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, उनके और आपके दोनों के माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपको ड्रिंक बिल्कुल नहीं करना है। सिर्फ डोजेस को कम करने से या अल्कोहल लेवल्स इंटेक को कम कर देने से उसमें बेनिफिट नहीं होता। आपको अल्कोहल अगर छोड़ना है तो पूरी तरह से छोड़ना होगा। कई लोग ऐसा करते हैं कि जिनको 10 ड्रिंक का आदत है वो सडनली रिड्यूस करके 5 पे आ जाते हैं, 4 पे आ जाते हैं, पर वैसा बहुत लॉन्ग टाइम तक वर्क नहीं करता, और कई बार ऐसे लोगों पर रिलैप्सेस होने का भी चांस काफी ज्यादा रहता है। कुछ दिनों के बाद जब वो हार्ट अटैक से रिलेटेड फियर फैक्टर चला जाता है तो अल्कोहल वापस से चालू हो जाता है और वो काफी ज्यादा अल्कोहल लेना चालू कर देते हैं, कई बार पहले से भी ज्यादा लेना चालू कर देते हैं। अपने बॉडी का ध्यान रखिए, हेल्दी डाइट लीजिए, नींद काफी अच्छी रखिए, एक्टिव रहिए, और मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल स्ट्रेस को एक्टिवली अच्छे से मैनेज करिए। ये आपके अल्कोहल को कम करने में मदद करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि एक्टिविटीज और ऐसे हॉबीज में आप खुद को एंगेज करिए जहां आपका मन बिजी रहे, अल्कोहल का ध्यान ना लगे और आपको बार बार उससे रिलेटेड कोई थॉट्स या विचार मन में ना आए। उस तरह की एक्टिविटीज में अपने आप को एंगेज करिए, लोगों से इस बारे में बात करिए, डिस्कस करिए, स्पेशली वो लोग जो अल्कोहल छोड़ चुके हैं या वो लोग जो खुद डी एडिक्शन के रेजिमेंट से गुजर चुके हैं, उनके एक्सपीरियंसेस को समझिए और उनसे हेल्प लीजिए, उनसे टॉकिंग करिए, उनसे डिस्कशन करिए, तो आपको वो एनकरेज करेंगे अल्कोहल को छोड़ने के लिए। ऐसे लोगों को एग्जांपल्स या उनके पिक्चर्स अपने पास रखिए जो लोग ने सक्सेसफुल इस तरह के एडिक्शन को या बहुत ज्यादा एडिक्शन को भी छोड़ा है, उनको अपना रोल मॉडल बनाइए एज कम्पेयर टू उन लोगों को जिन लोग इससे अभी भी पीड़ित हैं, जो इसको ना छोड़ पाए। अगर कोई भी कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से आपको अल्कोहल लेने का लत पड़ता है या आपको ड्रिंकिंग का बिहेवियर बढ़ता है, तो उस बारे में अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ डिस्कस करिए, उसको सॉर्ट आउट करने का मदद में उनकी हेल्प लीजिए। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम लगती है तो उसके लिए प्रॉपर एग्जाम्पल्स या प्रॉपर डिस्कशन करके एक प्रॉपर सोल्यूशन पर पहुंचिए। जो भी प्रॉब्लम्स है उसको प्रॉपरली डिस्कस करके आप सॉर्ट आउट करेंगे तो अल्कोहल छोड़ने में ज्यादा मदद मिलेगी। पेशेंट्स को कभी भी कोई अल्टीमेटम या धमकी जैसा नहीं देना चाहिए, कि एक डेडलाइन नहीं देना चाहिए कि आपको ऐसा करना है या ऐसा कंपल्शन करना है, उसको एनकरेजमेंट से ज्यादा फायदा मिलेगा। अल्टीमेटम या थ्रेटन करने से उसको कंपेरेटिवली कम बेनिफिट मिलेगा, हालांकि सिलेक्टेड केसेस में इसका फायदा भी हो सकता है, पर आपको केस टू केस इसे डिस्कस करना चाहिए और मैनेज करना चाहिए। अपने आपको बार बार याद दिलाइए कि आपको अल्कोहल क्यों छोड़ना है, आपकी लाइफ में इसको छोड़ने से क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या चीजें बेटर हो सकती हैं, क्या फायदे होंगे लॉन्ग टर्म, उस बारे में बार बार अपने आपको रिमाइंड करते रहिए, और इस बारे में जिन लोगों पर आपको ट्रस्ट है उसके साथ डिस्कस करिए। हेल्दी एक्टिविटीज या ऑल्टरनेटिव एक्टिविटी में अपने आपको इन्वॉल्व रखिए। जो भी चीजों से आपका थॉट अल्कोहल की तरफ जाता है या आपका माइंड अल्कोहल बिहेवियर की तरफ जाने लगता है, उस तरफ से अपने आपको डाइवर्ट कीजिए और उस थॉट प्रोसेस को मन में आने नहीं दीजिए। कोई भी अगर टेम्पटिंग सिचुएशन है जहां पे आप अल्कोहल के लिए ड्राइव हो रहे हैं, तो उसको तुरंत ही छोड़ देना चाहिए, उस सिचुएशन से तुरंत बाहर निकल जाइए, नहीं तो आप थोड़े टाइम के बाद अपने सेल्फ कंट्रोल को आप छोड़ देंगे और आप अल्कोहल लेना चालू कर देंगे। इंपॉर्टेंट चीज है कि अल्कोहल का इमीडिएट इफेक्ट को कम करने के लिए क्या किया जाता है। अगर अल्कोहल किसी ने ले भी लिया तो उसका ब्लड में अब्सॉर्प्शन को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जाए, और उसका इफेक्ट को या उसका ड्राइव या हाई को कम करने के लिए क्या किया जाए। ऐसे लोगों में आप बहुत ज्यादा पेशेंट को अल्कोहल लेने के तुरंत बाद खाना खाने और पानी पीने को बोलते हैं। कई बार अल्कोहल लेने के टाइम भी आप बहुत ज्यादा खाना खाएं और खाने के साथ अल्कोहल ले तो उसका अब्सॉर्प्शन बहुत स्लो होता है और धीरे धीरे करके वो ब्लड में अब्सॉर्ब होता है, तो वो हाई क्रिएट नहीं होता। अल्कोहल लेने के बाद भी काफी ज्यादा पानी पिए तो वो डिहाइड्रेशन को अवॉइड करेगा और सारे टॉक्सिन प्रोडक्ट्स को ब्लड से बाहर निकाल देगा। कई फ्रूट जूसेस हैं जिसमें फ्रक्टोज होता है या विटामिन बी और सी होता है, वो भी अल्कोहल को फ्लश आउट करने में हेल्प करता है और लिवर को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। एक और कॉन्सेप्ट है कि लेमन यानी नींबू कई बार अल्कोहल को या उससे रिलेटेड हैंगओवर को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। एक स्टडी भी है जो शो करती है कि लेमन को या नींबू को लेने से उसका थोड़ा सा लिवर को प्रोटेक्ट करने में इफेक्ट रहता है और अल्कोहल रिलेटेड हैंगओवर को कम करने में भी वो हेल्प करता है। इसके अलावा सैल्मन फिश जो है एक तरह की मछली है, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता है।
इस तरह के पेशेंट्स में सैल्मन को लेने से कई बार डी एडिक्शन हेल्प करता है, और ये कई बार अल्कोहल को थोड़ा अब्जॉर्ब भी कर लेता है, इसकी वजह से कई बार अल्कोहल का अब्जॉर्प्शन कम रहता है। जो फूड्स कार्बोहाइड्रेट रिच हैं, जैसे कि ब्रेड है, सैंडविचेस है, पास्ता है, जो टिपिकली इजी टू डाइजेस्ट फूड्स रहते हैं, वो आपको लेना है। काफी पेशेंट्स में ऐसा माना जाता है कि अल्कोहल रिलेटेड अगर आप स्नैक्स वगैरह बहुत ज्यादा लेते हैं तो वो ये अल्कोहल को अब्जॉर्ब कर लेता है और उसका अब्जॉर्प्शन बॉडी में कम होता है। वैसा नहीं है, फिशेज या इस तरह के प्रोडक्ट्स आप लेते हैं या कार्ब हैवी फूड अगर आप लेते हैं तो कई बार वो अल्कोहल से डिरेक्शन में आपको थोड़ा हेल्प करता है, उसका अब्जॉर्प्शन को थोड़ा कम करता है। लास्ट में बात करेंगे टॉपिक कॉमन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। बेसिकली अल्कोहल से रिलेटेड काफी लोगों को प्रॉब्लम्स होती है, काफी हार्ट पेशेंट्स में अल्कोहल का एडिक्शन का प्रॉब्लम रहता है। अगर ऐसे लोगों को हम इस टॉपिक के माध्यम से कुछ टिप्स या ट्रिक्स दे पाए जिससे उनको अल्कोहल छोड़ने में मदद मिले, तो यही हमारा टॉपिक का पर्पज है। ज्यादातर आज की डेट में जहां हम हर चीज या हर हेल्थ डिसीजन लेने के लिए मल्टीपल लोगों की ओपिनियन है, मल्टीपल रिव्यूज पे रिलाइज करते हैं, वहां पे हमारे चैनल का बेसिक पर्पज ये है कि पेशेंट्स को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स या उनके हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में हम अवेयर कर सकें, ताकि वो आपके डॉक्टर्स के साथ जब आप डिस्कस करें तो उसमें मदद करें और आपके रिलेटिव्स आपके ट्रीटमेंट में सहभागी बन सके। आप सिर्फ डॉक्टर पर रिलाय ना करें कि वो आपको प्रॉपर जानकारी दे और आपका प्रॉपर हेल्थ को मैनेज करे। अगर आपको हमारे चैनल का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक और इसका कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करें।